धामपुर क्षेत्र के ग्राम औरंग शाहपुर बनवारी में 29 तारीख की शाम को आजम नाम की व्यक्ति की मौत को लेकर पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्यवाही न होने से परिजनों ने नाराजगी जताई। दर्जनों लोग महिलाओं के साथ SP कार्यालय पहुंची और निष्पक्ष कार्यवाही कराने के लिए शिकायत दी। इसमें मृतक के परिजनों ने कहा कि हमने आरोपियों के नाम शिकायत में दिए हैं, जो कि उसको बुलाकर ले गए थे। वह अभी भी खुले घूम रहे हैं, इससे मृतक के परिजन भयभीत हो रहे हैं। वहीं SP ने उनको कार्यवाही की जांच की बात बताते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। इस दौरान MIM के जिला अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। आज आप कप्तान साहब से मिलने आए हैं, क्या है मामला? मेरे भतीजा आजम को 29 तारीख में मर्डर कर दिया गया है। उसका घर से बुला के ले गया संजय नाम का लड़का। आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलजिम खुले घूम रहे हैं, जिनके नाम से रिपोर्ट करी है हमने, वे खुले घूम रहे हैं। अब कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई चल रही है, जैसे जुर्म साबित हो जाएगा वैसे जेल में। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली कम्बोर, मैं AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप कप्तान साहब से मिले हो, क्या है वहाँ? हाँ, आज धामपुर थाने का गांव पड़ता है, एक नया गांव, वहाँ 29 तारीख को एक आजम का, उनके भतीजे हैं, उनका मर्डर हो गया था। उसी सिलसिले में हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, क्योंकि मुलजिम भूले घूम रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जाँच चल रही है, जो मुलजिम होंगे उनको जेल भेजा जाएगा, बेकसूर उनको जेल में भेजा जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कप्तान साहब इनको, जो मृतक है इसको इंसाफ देंगे और जो मुलजिम है उनको जेल भेजने का काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है कप्तान साहब से।